मैं हूँ फरी और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है फाइंड द रियल केसेस। एंड आज जिस केस के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ ना, वो केस थोड़ा ऐसा है कि उसने पूरे चाइना को हिला दिया था। पता नहीं उस केस में मुझे भी कुछ वियर्ड सा चीज़ लगा, मतलब एक इंसान ऐसा कर सकता है। तो जिस इंसान को मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप लोग को उस इंसान के बारे में पहले से पता है तो मुझे कमेंट बताना, और ये भी बताना कि मैंने क्या चीज़ छोड़ा या क्या कुछ मैंने कुछ गलत बोला। अगर नहीं पता है तो मैं बता ही रही हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी, मैंने इतनी सी इतनी रिसर्च की है, इतनी सी इतनी, मतलब ये इतना सा मेरा दिमाग है, मैंने उसको इतना बड़ा बना के उसके अंदर पूरा घुसेर दिया है। सो चलो देखते हैं। तो जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है जैंग जिनाई, और वो पैदा हुआ था चाइना में पैदा हुआ था। एंड वो जिस सिटी में पैदा हुआ था ना, वो सिटी बहुत गरीब थी। उस सिटी का नाम है जैनयांग, पता नहीं, एक तो चाइनीज़ का जो नाम होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। तो जिस सिटी में वो रहता था वो सिटी बहुत गरीब थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें जितने भी पीपल्स रहते थे ना वो सब बहुत गरीब थे। उस यांग की जो फैमिली थी ना, उनमें से भी वो बहुत गरीब थी, बहुत ज़्यादा। यांग की फैमिली बहुत ज़्यादा, सीरियसली बहुत ज़्यादा गरीब थी उनकी फैमिली। एंड यांग का जो सपना था ना, वो एक डायरेक्टर बनने का था, और उसको डिज़ाइनिंग में भी बहुत अच्छा लगता था। सो यांग की फैमिली ने, मतलब यांग के फैमिली में बताया कि उसका ना, मतलब उसको ना वो घंटों घंटों बैठकर स्टोरीज लिखता था। जिस वो अपनी ही यू नो अलग यूनिवर्स में, वो अपनी अलग यूनिवर्स की स्टोरी अपनी नोटबुक में लिखता था, डायरी में, नोटबुक में लिखता था घंटों घंटों बैठकर। उसको एक तो वो ना बचपन से बहुत स्मार्ट था, बहुत सीरियसली, उसके पेरेंट्स बताते हैं कि बचपन से वो बहुत स्मार्ट थे, स्टडी में भी बहुत अच्छा था वो, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा था, सीरियसली बहुत अच्छा था। उसने अपनी डायरी में कुछ ऐसे शब्द लिखे जिससे उसके पेरेंट्स को थोड़ा उसके ऊपर प्राउड फील हुआ। उसके बाद जैसे ही वो आगे पढ़ते रहे, दे वॉज लाइक बूम, उनका जो, उनको इतना सैड फील हुआ ना। एक तो उसकी जो मदर थी ना यहाँ की, वो डर भी गई थी। सो मैं बताती हूँ उन्होंने ऐसे नोटबुक में क्या पढ़ा। एक तो जैसे एक दिन उनके, मैं बताती हूँ सब शुरुआत कैसे हुई। देखो, उनको ये तो पता था कि उनका जो बेटा वो एक डायरी लिख रहा है, पर उनको टॉपिक नहीं पता था वो किस चीज़ के ऊपर लिख रहा है, ठीक है। तो उसने जिस टॉपिक के ऊपर लिखा था वो था प्लेट ऑफ द लास्ट। इसका मीनिंग मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया उसने क्यों लिखा है, पर लिखा था। एंड मैं बताती हूँ, उसने ना अपनी एक अलग यूनिवर्स बताई थी, यूनिवर्स बनाई थी, मतलब जिसमें उसका अलग ही रीजन बनाया था, अलग ही रूल्स थे उसके खुद के रूल्स। जैसे अगर कोई पूछता है ना, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या करोगे, तो कोई भी इंसान बोल देगा कि मैं ऐसा कुछ करूँगा जो सिर्फ मेरा हो, जिस सब पे मेरी मर्ज़ी चले, ऐसे ही वो था। उसने अपना एक अलग ही यूनिवर्स बनाया, उसमें अलग ही रूल्स किए, उसमें अलग ही खुद के ही पीपल्स थे उसमें। सीरियसली जो वो करना चाहता था ना, वो सब उसने उस चीज़ में किया। एक तो उसके पेरेंट्स, देखो क्या हुआ, एक दिन उसके पेरेंट्स अंदर चेक करने जाते हैं उसको, अचानक चले जाते हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं। उसमें इतना डिटेल्स में बताया था, उसमें बताया था कि उसके बस पेरेंट्स ने अंदर चले गए थे चेक करने के लिए उसका रूम। रूम चेक करते समय उनको एक डायरी मिली जिसमें एक स्टोरी लिखी हुई थी, वो लोग स्टोरी पढ़ते गए। इस स्टोरी में उनको ये पता चला कि जैंग ने अपने एक अलग यूनिवर्स बना रखी है यांग ने, एंड उसमें उसने खुद के रूल्स, खुद के लोग और खुद के रिलीजन रखे थे। रिलीजन रखने के बाद उनको थोड़ा ऐसे प्राउड फील हो गया कि मेरा, उनका खुद का बच्चा एक मिडिल स्कूल में जाकर इतनी अच्छी चीज़ कैसे लिख सकता है अपने खुद की लैंग्वेज में। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पढ़ते गए, उनको एक चीज़ थोड़ी वियर्ड लगी कि उसमें जो वो मेन करेक्टर था ना, वो यांग की तरह था, वो बिल्कुल यांग था। तो उनको थोड़ी चीज़ थोड़ी वियर्ड सी लगी कि यांग ने अपने आप को ही बता रखा है एक सुपर हीरो में, कि मैं एक सुपर हीरो हूँ उस कंट्री में। पर जैसे उन्होंने उस चीज़ से आगे बढ़ा ना, उस चीज़ से जैसे उन्होंने आगे पढ़ा, उन्होंने देखा कि जो यांग था ना, मतलब यांग, देखो उस, उनके पेरेंट्स को लगा कि जो वो मैन करेक्टर है ना, वो बिल्कुल यांग की तरह है। वो भी अकेला था, यांग भी अकेला था, वो भी बिल्कुल शांत था, ये भी बिल्कुल शांत था। तो एक तरीके से यांग ने अपने आप को उस स्टोरी में बताया था कि वो
कैसे क्या करेगा। तो जो वो मेन कैरेक्टर था ना उसको मैं यांग ही बोलूँगी, ठीक है। जो वो यांग था ना वो मतलब अपनी स्टोरी में सुपर हीरो बना हुआ था, पर जैसे उसके पेरेंट्स ने ना आगे पढ़ा उनके बाद उनका जो सर था वो ब्लास्ट हो गया। उसके पेरेंट्स को पहले तो बहुत प्राउड फील हुआ, जैसे उन्होंने आगे, पता है उन्होंने आगे क्या पढ़ा, उन्होंने आगे पढ़ा कि उसने मतलब उसने ये बताया था कि इतना छोटा सा बच्चा, उसने ये बताया था कि वो किसी का मर्डर करता है और फिर भाग जाता है, पुलिस तक उसको नहीं पकड़ पाती। तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि ये इतना छोटा सा बच्चा ये कैसे लिख सकता है, कि उसको इससे पता कैसे चलता है कि मारूंगा तो भाग जाऊंगा, कोई पकड़ नहीं पाएगा, कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। देन दे वर सो सैड, तो इतनी सैड हो गए ना उसकी फैमिली। तो जैसे ही उसकी मम्मा ने आगे पढ़ती गई, सब ने बताया कि आगे क्या लिखा था, बस इतना बताया कि उसकी मम्मा जैसे आगे पढ़ती गई, उसके बाद उसकी मम्मा बिल्कुल डर गई। उनको लगा कि ये बिल्कुल यंग की तरह है, कहीं यंग भी तो ये सब नहीं कर रहा है। पर उनको विश्वास, एक तो किसी भी पेरेंट्स को इतनी जल्दी अपने पर, अपने बच्चे को इतनी जल्दी तो शक होगा नहीं कि उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने इस सबको टाल दिया एंड यंग को नहीं बताया कि वो लोग उसका चेक करने गए थे रूम। देन यंग स्कूल में बहुत, एक तो इतना स्मार्ट था वो स्कूल में, तो वो स्कूल में जाता, एक तो वो ना बिल्कुल इंट्रोवर्ट था, वो इंट्रोवर्ट तो था ही, एंड वो स्कूल में जाता, स्कूल में जाने के बाद वो बिल्कुल ना शांत, बिल्कुल शांत, कीप क्वाइट एक तरीके से, एक तो ना वो बिल्कुल स्कूल में बिल्कुल कीप क्वाइट, वो बिल्कुल इतना सभी शब्द नहीं बोलता था, वो सबको ऑब्जर्व करता था कि अच्छा वो इंसान ये कर रहा है, अगर मैं उसको अपनी स्टोरी में ऐसे दिखाऊं तो कैसा लगेगा। वो अपनी स्टोरी में क्या बताता था कि वो इंसान को मार रहा है और भाग जा रहा है, तो वो इंसान को ऑब्जर्व करता था। एक तो उसका ना ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करता था वो ना, एक छोटी सी छोटी, एक तो ना, एक तो उसके पेरेंट्स को एक चीज़ और भी अट लगी कि वो अपने स्टोरी में जिस इंसान को मारता था ना वो इंसान रियल में तो था, और जिस जिस जगह वो उसको मारता था उस चीज़ का नाम भी लिखता था। जो जिस सिटी में रहता था ना जैंग यांग में, वो स्ट्रीट अभी भी थी वो स्ट्रीट। तो वो एक तो इतना छोटा सा बच्चा है, वो लिखेगा नहीं कि मैं इस जगह उसको मार रहा हूँ, उसने टाइम तक नोट किया था कि मैं इस समय इस सेकंड इस इंसान को इस जगह मार रहा हूँ। उसके इस चीज़ को पढ़ने के बाद उसके पेरेंट्स को थोड़ा हैरानी फील हुई। तो जैसे ही 1985 में वो 17 ईयर्स का हुआ, स्कूल में था उस समय, तो उसने हाई स्कूल छोड़ दिया, वो हाई स्कूल नहीं कर रहा था। उसके पास एक रीज़न था, वो रीज़न थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वियर्ड था। उसको उसका रीज़न तो भाई मेरा अलग ही लेवल का है। उसका रीज़न क्या था कि मुझे लोगों को फ्रेंड नहीं बनाना, मुझे नहीं जाना है स्कूल। मुझे स्कूल क्यों नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाऊँगा तो मैं एक तो बड़ा हो गया हूँ, कोई ना कोई मुझसे बात करेगा, अगर मैं बात दूसरे से करूँगा तो मेरा जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो उसने इसलिए TC ले ली स्कूल से और वो चला गया, उसने स्कूल छोड़ दिया हाई स्कूल, उसने हाई स्कूल नहीं किया। उसके बाद उसके जब पेरेंट्स को पता चला कि वो हाई स्कूल नहीं कर रहा है अपना, तो उसके पेरेंट्स और उसके में आर्ग्यूमेंट्स होने लगे बहुत ज़्यादा। इतने आर्ग्यूमेंट्स भर गए कि उसके पेरेंट्स ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद एक तो वो पैसे नहीं थे उसके पास, 17 साल का तो वो खुद था, उस घर नहीं था उसके पास, तो वो ना बहुत सारे और जॉब्स करता था, मतलब कहीं भी, मतलब कूड़ा लेना, ऐसे बहुत सारे उसने जॉब्स किए। पर उससे भी अलग सी चीज़, वो एक जॉब 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं करता था। जैसे एक जॉब करता था तो दूसरी जॉब में चला जाता था, दूसरी जॉब करता था तीसरी जॉब में चला जाता था, एक जॉब 4 से 5 दिन करता था, आई थिंक इंफॉर्मेशन में इतना ही बताया था। वो उसने एक तो पूरा चाइना ट्रैवल पता है कैसे किया, एक जगह के बाद एक लोकेशन से उसने दूसरी लोकेशन पकड़ी। जैसे एक तो मुझे चाइना में ज़्यादा नाम भी नहीं पता, जैसे उसने ना कुछ अलग ही, एक लोकेशन से वो दूसरी लोकेशन में, जैसे मैं हरिद्वार में रहती हूँ, मैं हरिद्वार में हूँ तो मैं ना हरिद्वार से इधर देहरादून चली जाऊँगी, तो वो भी ऐसा था, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाता था जैसे लोग उसको पहचान ना पाए। एंड एक दिन उसको ऐसे करके उसने पूरा चाइना ट्रैवल कर लिया। एक दिन उसको 200 किलोमीटर दूर जाना था, है ना, कहीं एक लोकेशन दूसरी लोकेशन जाता था, उसको एक लोकेशन से 200 किलोमीटर ट्रैवल करके दूसरी जगह जाना था, दूसरी लोकेशन। तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टिकट ले पाए, तो वहाँ पे एक तो वो बिल्कुल शार्प माइंडेड था। जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने एक
ओल्ड लेडी को देखा, बूढ़ी औरत को देखा जिसके अंदर पर्स था। एक तो ही वॉज सो, मतलब उसकी स्टोरी ही पढ़ के एक तो पता नहीं उसके दिमाग में, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में कैसे आ गया कि वो क्राइम्स करेगा। और फिर उसने उस ओल्ड लेडी का, सीरियसली उस ओल्ड लेडी का पर्स चुरा के भाग गया। एक तो जो उसने पर्स चुराया भाग गया, पहला क्राइम तो उसने ये किया, पहला क्राइम था। बचपन में उसने कोई क्राइम नहीं किया, लिखता था कोई वो अलग सी बात है, पर उसने कभी क्राइम नहीं किया। बड़े होने के बाद ये इसका पहला क्राइम था चोरी, एक बूढ़ी औरत का पर्स चुरा कर किसी और कंट्री में जाके चैन से जीना। इस चीज़ ने उसको मोटिवेशन दिया कि हाँ तू चोरी करेगा तुझे पकड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने इस स्टोरी में तो ही बताया था कि वो क्राइम्स करता था, पुलिस से बच जाता था और चला जाता था। ऐसे ही उसके बाद जब वो दूसरी दूसरी लोकेशन में गया, वो जब दूसरी लोकेशन में गया तो वहाँ पे पहले तो वो जॉब्स करता था, बहुत अच्छी चीज़ तो थी, वो जॉब्स तो करता था ना। अब उसने जॉब्स भी करना छोड़ दिया, वो ऐसे ही चोरी करके खुद जीता था वो चोरी करके। एंड चोरी करने के बाद चोरी, एक तो वो चोरी भी ना ऐसे नहीं करता था, तो वो चोरी करता था। एक बार किसी ने इन्फॉर्म किया कि वो चोरी कर रहा है, तो यांग को 2 साल की जेल हुई। डेट आई थिंक ईयर्स मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर 18 में हुआ था, 1992 में हुआ था शायद, था 1992 में उसको जेल हो गई थी। जेल होने के बाद उसके बाद जो चीज़ शुरू हुई, वो जेल चला गया। जब वो जेल से 2 साल बाद छूटा, उसके बाद एक तो लोग होते हैं ना, अगर कोई जेल में जाएगा तो वो बाहर निकलेगा तो वो कुछ अच्छी चीज़ सीख के निकलेगा, वो कोई अच्छी चीज़ करेगा, पर सैंग का दिमाग बिल्कुल अलग था। उसने जब वो बाहर निकला, वो एक अच्छा पर्सन बनने के बजाय वो एक फिर से चोरी शुरू कर दिया, फिर से चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करता था ठीक है। एक बार उसने एक लड़की उसको पसंद आने लगी, ठीक है, पर लड़की को नहीं पता था कि वो उसको स्टॉक कर रहा है, तो वो स्टॉक करने लगा उस लड़की को, फिर उस लड़की के साथ बदतमीज़ी करने लगा, सेक्सुअल एक्सॉर्ट करने लगा उस लड़की के साथ। फिर उस लड़की, पता नहीं कैसे वो लड़की बच गई, उस लड़की ने फटाफट जाके पुलिस में बता दिया यांग के बारे में कि वो ऐसा ऐसा कर रहा था। तो यांग ने फिर से पुलिस ने फिर से यांग को 5 साल की सज़ा दे दी। 2 साल + 5 = 8, सीरियसली 7 ईयर्स, ऐसे ही 7-8 ईयर्स में वो जेल में था। ओह माय गॉड, एक तो जेल में था, पता नहीं जब वो 5 साल बाद 1999, ये डेट याद रखना, 1999 3 नवंबर में जब वो बाहर निकला जेल से, तब वो एक अलग ही मनुष्य बन गया था। वो अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था वो, उसका जो दिमाग था ना वो ख़राब हो गया था, उसका दिमाग इधर था इधर चला गया था। फिर उसके जीवन में एक लड़की आई, लड़की आई उसके जीवन में, लड़की तो बाद में आई जब वो 5 साल बाद बाहर निकला, फिर से उसने लड़कियों को स्टॉक करना शुरू कर दिया था। अब वो लड़कियों को मार देता था, मर्डर, पहले चोरी, चोरी के बाद उसको मोटिवेशन मिला चोरी करने का, फिर चोरी, फिर उसके बाद लड़की को छेड़ा, फिर जेल गया, जेल के बाहर निकला, फिर लड़की को छेड़ा, फिर सीधा लड़की को छेड़ने के बाद मार देना। अगर वो लड़की हल्की होती, वेट उसका हल्का होता तो वो रिवर के अंदर फेंक देता, अगर वो हल्की नहीं होती तो उसके पीसेस करके फेंक देना कूड़े के दान के अंदर, फिर वो फेंक देता था। ऐसे ही उसका चलता रहा, पुलिस को शक ही नहीं हुआ कभी कि वो जैंग था, क्योंकि जैंग कभी भी एक चीज़ से कभी भी नहीं मारता था। एक इंसान को अगर वो चाकू से मारे तो वो दूसरे इंसान को हामर से मारेगा। जैसे जब उनका फॉरेंसिक जांच हो तो उसमें एक भी सबूत ना मिले कि एक ही इंसान ने किया है, एक तो किसी को उसके पास शक भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने ना जब वो मारता था तो उसने वाइट कलर के ग्लव्स पहने हुए थे। एक तो ना वो बिल्कुल बिल्कुल वो पागल हो चुका था, पहले चोरी, फिर चोरी से मोटिवेशन, फिर से जेल गया, फिर चोरी, उसके बाद चोरी को घर, लड़की को छेड़ा, लड़की ने किया, जेल गया,
सीरियसली 7 से 8 साल कोई जेल में रह सकता है, वो इंसान था। चलो ऐसे फिर से अपने स्टोरी पे आ जाते हैं। सो ये रियल है, स्टोरी नहीं है, ये रियल है ये चीज़। अगर आप जियांग जिनहाई के बारे में गूगल पे सर्च करते हो, वो सच में है। अब तो खैर वो मर गया, उसको फांसी की सजा हो गई, और बहुत अलग, वो बहुत गंदा इंसान था। तो अचानक लड़की को यांग से प्यार हो जाता है। आई थिंक उस समय लड़की को ये तो नहीं पता था कि यांग ने इतने सारा चार्जेस हैं यांग के ऊपर ये सब। तो लड़की, वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यार में थे एक दूसरे में, बहुत ज़्यादा, इतना प्यार था उन दोनों में कि बहुत ज़्यादा। यांग उस समय वो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करता था। यांग इतना प्यार करता था उस लड़की से कि यांग ने उस लड़की को यू नो शादी का प्रपोजल भी बोलने जा रहा था। जिस दिन, आई थिंक जिस दिन यांग ने उस लड़की को शादी का प्रपोजल बताने जा रहा था ना, उस दिन लड़की को पता चल गया कि यांग क्या है। लड़की ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। यांग इंट्रोवर्ट था, वो ये याद रखना, वो इंट्रोवर्ट था, शार्प माइंडेड था, स्मार्ट था, इतना स्मार्ट था ना वो। उसने कभी भी अपनी गलती नहीं दी, उसने सोचा ये तो सब सोसाइटी की वजह से हो रहा है, सोसाइटी ने मुझे ऐसा बनाया है, मैं तो ऐसा था ही नहीं। उसने सब कुछ करके फिर उसने बहुत सारी, उसका जो मेन ब्रेकअप कर लिया, उसके बाद वो और दिमाग खराब। पहले तो मर्डर करता था कुछ कुछ लोगों का, अब तो वो सीधा फैमिली को ही ख़त्म, खेल फैमिली को ही मार देता था। कैसे मारता था, बहुत बुरी तरह। मतलब पहले एक तो ना वो अलग ही लेवल का था। वो पहले, वो जैसे एक फैमिली में फादर होते हैं, मदर होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, तो उस चीज़ का जो फादर था ना, तो उस घर का जो फादर होता था ना, जैंग उसको स्टॉक करता था कि वो क्या कर रहा है, किस समय कर रहा है, किस समय घर जा रहा है, किस दिन किसकी छुट्टी रहेगी, किस दिन क्या करेगा। जब वो बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेता था ना सब कुछ, दैन ही वॉज अट्रैक्टिव, तो वो ना उसकी फैमिली को अटैक करता था। अटैक रात में करता था, पहले तो मार दिया उसको, उसके जो यू नो उसका जो मुखिया है, फादर उस बच्चे का, उसको मारता था, देन फादर को मारता था, देन अंत में लेडीज़ को मारता था। पहले यू नो एक्सॉर्ट वेक्सॉर्ट करता था, फिर सेक्सुअल करता था, देन मार देता था। वो मारने के बाद, वो मैंने बताया जैसे वो कोई हल्का है, इसमें एक नई चीज़ है, कोई हल्का है उसको रिवर में डाल देता था, जो हल्का नहीं है, जो भारी है, उसका वेट ज़्यादा है, उसको जला देता था। जलाने के बाद, उसके बाद वो, इसमें तो और भी वियर्ड चीज़ है कि वो ना जलाने से पहले ना, वो जितने भी लोग थे उन सबके कपड़े ले लेता था पहनने के लिए, वो पहनता था कपड़े। वो अलग ही लेवल का बंदा था भाई, वो ना कपड़े पहनता था, जो जिस लोगों को उसने मारा है ना, जिस फैमिली को, उस फैमिली के कपड़े लेकर पहनता था। वो कपड़े वो तब तक पहनता था जब तक उसने दूसरी फैमिली पर अटैक ना कर दें, दूसरी फैमिली को मार ना दें, तब तक वो पहले वाली फैमिली के कपड़े पहन कर रहता था। पुलिस को कभी उसके ऊपर शक ही नहीं हुआ, कभी शक नहीं हुआ पुलिस को उसके ऊपर। एक दिन उसने फिर से ऐसे ही किया, एक दिन। उसके बाद आई थिंक ये चल रहा था 2003 की बात है, नवंबर नहीं फैब की बात है शायद, ये फैब में तो उसको फांसी मिल गई थी। ये जनवरी की बात है, जनवरी 2003 में वो एक घर में गया। उसने फिर से ऑब्जर्व किया कि वो कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। वो घर के अंदर गया, घर के अंदर जाने के बाद उसने वैसा ही किया, फादर को मारा, बेटी को मारा। जो वो औरत थी ना, सीरियसली जो वो औरत थी ना, वो प्रेग्नेंट थी। उसने क्या सोचा, उसने पहले किया जो उसका काम था लड़कियों के साथ, वो किया। उसके बाद उसने उस लड़की को ये सोच के छोड़ दिया कि तो प्रेग्नेंट है, ये कहाँ बचेगी, अब इतना सब कुछ कर दिया मैंने। वो चला गया उस घर से, बेबी को फेंक दिया, पति को भी उसने फेंक दिया, क्योंकि उस समय ना वो यू नो बहुत शार्प था। एक तो उसके पास ना बिल्कुल बिल्कुल पावर आ गई थी उसके पास, इतने सारे केस कर दिया है उसने, पुलिस जान ही नहीं पा रही थी इंसान कौन है। इतने सारे इंसान ने खून कर दिए, पुलिस को भी तक शक नहीं हुआ कि वो एक ही इंसान था यांग, क्योंकि
उसके ऊपर मर्डर का एक भी चार्ज नहीं था। उसके पास चोरी का था, लड़की को छेड़ने का था, पर मर्डर का कभी नहीं था। तो जो औरत थी, एक तो जब औरत बचाएगी ना, जब कोई जबरदस्ती करेगा किसी के साथ तो वो बचाएगी, तो उसके जो नेल्स है ना उसमें जब वो खींचेगी तो स्किन के डीएनए चले जाते हैं नेल्स के अंदर। सो ना जो डीएनए मिला जब फोरेंसिक की जांच हुई उस बॉडी के, ऑटोप्सी हुई, तो उसमें यंग के यू नो डीएनए मिले। तो तब तक भी पुलिस को पता ही, आई थिंक फोरेंसिक ने बताया ही नहीं। तो जब वो वहाँ से चला गया यंग ने, फिर से कपड़े चुरा लिए, फिर वो एक क्लब में गया, क्लब में गया वो। फिर क्लब में जाने के बाद सीधा उसने पार्टी 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 वो पार्टी पार्टी करने लगा। पार्टी करने के बाद तुरंत वहाँ पे चली जाती है पुलिस की रेड, पुलिस वहाँ पे रेड मारने चली जाती है। वो सीरियसली वो ना बूम, वो कह रहा है उसने उस समय, उसने बताया कोर्ट में कि उसने क्या बोला। उसने उस समय अपने मन में ये सोचा कि कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया मैंने किया है, क्योंकि मैंने उस लड़की को छोड़ दिया है। और वो लड़की उस समय ज़िंदा थी, उसको लगा वो मर गई है, पर वो लड़की ज़िंदा थी, वो ज़िंदा थी, पर उसका जो बेबी था वो फिर से मर गया था। तो उस लड़की का अभी भी आई थिंक वो हॉस्पिटल में अभी भी, क्योंकि 2003 की बात है। वो लड़की बहुत ज़्यादा, उसके ब्रेन को देख कर पति खो दिया, बच्चा खो दिया, का बच्चा खो दिया एंड ऊपर से सो उसका ब्रेन डैमेज हो गया था। फिर उसके बाद वो डर गया, बहुत ज़्यादा वो डर गया कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया, मैंने तो सब कुछ किया, पुलिस को पता तो नहीं चल गया। बल्कि पुलिस उस चीज़ पे रेड करने गई थी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पुलिस को यंग के बारे में नहीं पता था, पर यंग ने इतनी सी मिस्टेक करके उसने ये सोचा कि मुझे तो पकड़ने नहीं आई है। वो बार के पीछे वाले रास्ते से गया, वहाँ पे एक बार गार्ड बैठा था, उसने यंग को रोका, तुम कहाँ जा रहे हो? ऑलरेडी भाई अगर मैं किसी पीछे के रास्ते से जाऊँगी तो कोई ना कोई तो पूछेगा ना कि तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किससे डर रही हो। तो बार गार्ड को थोड़ा सा शक हुआ कि ये इंसान तो थोड़ा वियर्ड है। एक तो पुलिस आ रखी थी, बार गार्ड ने पुलिस को बुलाया कि यहाँ से भाग रहा है। तो पुलिस को तभी उस समय फ़ोन आता है कि यंग है सबके पीछे, जब पुलिस को समय भी नहीं पता था कि यंग है। पुलिस को उस आदमी को, पुलिस ने को एक तो जैसे मैं पुलिस हूँ और मेरे सामने वो है, तो मुझे एक तो पता नहीं रहेगा उसका नाम क्या है। जब पुलिस ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो तभी यंग का दिमाग घुमा, उसने बोला, उसको तभी पता चल गया था। अभी तक यंग पुलिस को कुछ नहीं पता उसका नाम, इतना सा भी नहीं पुलिस को पता उसका नाम। तो उसने क्या किया, उसने बोला मेरा नाम यंग है। वो बिल्कुल खुशी खुशी था, उसको तो पता ही था कि पुलिस को पता ही, उसने अपना नाम बता दिया। पुलिस ने झपक लिया उसे, उसने बोला तुम यंग हो ना, तुम्हारे ऊपर इतने सारे चार्जेस हैं, चलो तुम वहाँ पे पकड़ा गया। तब उसको तो ये तो पता चल गया था वो बचेगा नहीं। उसने जब उसका ट्रायल था फैम में, उसने पुलिस को ये तक नहीं पता था, उसने 67 पीपल की डेथ मार दिया, मर्डर कर दिया। तो जब उसका ट्रायल चल रहा था, उसने अपने ऊपर दोष नहीं लिया, उसने पूरे अपने छिट्टे खुद खोल दिए कि मैं हूँ जियांग, मैंने उसको मारा है, मैंने 67 लोगों का मर्डर किया है, मैंने ही ये किया है, मैंने ही वो किया है। पर उस जब देखो, एक तो उसने 67 लोगों का मर्डर किया, देन चोरी की, इतने सारे चार्जेस होने के बाद भी इतना सा भी उसको गिल्ट फील नहीं हुआ। एक तो इतना सारा किया, उसको सारे चार्जेस उसके ऊपर थे, चोरी, मर्डर, इतने सारे थे, तो फांसी की सज़ा तो उसको मिलनी थी। पर जब वो फांसी की सज़ा पे जा रहा था ना, उसको इतना भी गिल्ड नहीं था कि सब उसने किया, उसको बस ये था कि मुझे सोसाइटी ने सब मजबूर किया करने के लिए, अगर सोसाइटी ऐसी ना होती तो मैं भी ऐसा ना होता। उसने अपना पूरा दोष उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर दिया कि गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ा, मैं ऐसा बना सिर्फ उसकी वजह से। एक तो वो अपनी खुद की गलती मान ही नहीं रहा था कि मैंने खुद किया है, अपना इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहा था। जैसे अगर मैं झूठ बोलूँगी ना, तो फिर जैसे दो लोग हैं, है ना, दो लोग हैं, तो अगर मेरी गलती होगी तो मैं बोलूँगी इसने किया है, वैसे ही उसने किया, उसकी गलती थी, उसको पता है उसकी गलती है। पर वो इतना बड़ा शार्प माइंडेड था, उसने सारा अपना इल्ज़ाम लड़की के ऊपर लगा दिया, गर्लफ्रेंड के ऊपर। यही था मेरा केस। एंड अगर आपको ऐसे और केस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
एंड चलो अब मैं हर हफ्ते वीडियो डालूँगी संडे के दिन। सो चलो संडे को मिलते हैं।